वेलकम फ्रेंड्स, सिर इंजीनियर संजीत चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा घर का नक्शा है वह 25 फीट बाई 39 फीट का हमारा घर का नक्शा है, जिसमें 4 बेडरूम है, एक किचन है, एक WC बाथरूम है और एक हॉल है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें मेन डोर दिया हुआ है। मेन डोर से होते हुए हम अंदर की ओर आते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हॉल दिया हुआ है। हॉल का जो साइज है वो है 11 फीट 7 इंच बाई 17 फीट 10 इंच है। 11 फीट 7 इंच यहाँ से यहाँ तक है और 17 फीट 10 इंच यहाँ से यहाँ तक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक सीढ़ी दिया हुआ है। सीढ़ी की जो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई रहेगी वो होगी 2 फीट 5 इंच। यहाँ से यहाँ तक की सीढ़ी की चौड़ाई होगी और 2 फीट 5 इंच होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने बेडरूम नंबर 1 दिया हुआ है। बेडरूम नंबर 1 का जो साइज हुआ है 11 फीट बाई 11 फीट का हमारा बेडरूम नंबर 1 है। यहाँ से यहाँ तक 11 फीट है, यहाँ से भी यहाँ तक 11 फीट है। और फ्रेंड्स, आगे आते हैं तो यहाँ पर बेडरूम नंबर 2 दिया हुआ है हमने। बेडरूम नंबर 2 का जो साइज है 11 फीट बाई 11 फीट ये भी है। यहाँ से यहाँ तक 11 फीट है, यहाँ से यहाँ तक 11 फीट है। आगे आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमें बीच की जो गैलरी है वो 4 फीट के हमने गैलरी दिया हुआ है। फ्रेंड्स, फिर आगे आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने किचन दिया हुआ है। किचन का जो हमारा साइज है वो है 6 फीट बाई 8 फीट का हमारा किचन है। 6 फीट यहाँ से यहाँ तक है और 8 फीट यहाँ से यहाँ तक है हमारा किचन। फ्रेंड्स, यहाँ पर आएंगे तो आप बेडरूम नंबर 4 में आते हैं तो बेडरूम नंबर 4 का जो साइज है वो है 12 फीट बाई 11 फीट का हमारा बेडरूम नंबर 4 है। 12 फीट यहाँ से यहाँ तक है और 11 फीट यहाँ से यहाँ तक है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ये जो 12 फीट है ये अंदर से अंदर तक यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद 9 इंच की वॉल है और यहाँ पर जो 5 इंच की वॉल है ये 12 फीट में ऐड नहीं होगी, 12 फीट के बाहर जोड़ा जाएगा। 5 इंच की वॉल के बाद फिर 12 फीट यहाँ से यहाँ तक अंदर से अंदर है, फिर 9 इंच की वॉल है। फ्रेंड्स, आते हैं बेडरूम नंबर 3 में तो बेडरूम नंबर 3 भी हमारा जो है बेडरूम नंबर 1 और 2 की तरह है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बेडरूम नंबर 3 की जो साइज़ है वो है 11 फीट बाई 11 फीट। बेडरूम नंबर 3 भी हमारा है, यहाँ से यहाँ तक 11 फीट है, यहाँ से यहाँ तक 11 फीट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने एक WC बाथरूम दिया हुआ है जो कि बेडरूम नंबर 3 के सामने दिया हुआ है। तो इसका जो साइज है वो 6 फीट बाई 3 फीट है। 6 फीट यहाँ से यहाँ तक है, इस किनारे से इस किनारे तक, अंदर से अंदर तक, और 3 फीट यहाँ से यहाँ तक है। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि यहाँ पर हमने वेंटिलेटर दिया हुआ है एक WC के, यहाँ पर वेंटिलेटर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं WC में। और यहाँ पर हमने एक विंडो दिया हुआ है, यहाँ पर भी विंडो दिया हुआ है, ये भी विंडो दिया है, ये भी विंडो है, ये भी विंडो है और ये भी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने विंडो दिया हुआ है उसकी साइज़ जो रहेगी वो छोटी रहेगी। W1 है जो कि किचन में दिया हुआ विंडो है, इसकी जो साइज़ रहेगी ये W से छोटी रहेगी, W1। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप देखेंगे तो D और D1 लिखा हुआ है, जो हमारा D डोर है और ये D1 डोर है। D1 जो हमारा डोर है वो D से छोटा रहेगा। D1 जो हमारा है ये D1 और ये D1 हमारा जो है D से छोटा रहेगा। D1 डोर यहाँ पर हमने WC बाथरूम में दे दिया है और D1 डोर हमने किचन और में दे दिया है। और सब जगह हमने D डोर दिया हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने कॉलम दिया हुआ है। कॉलम, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम है, ये कॉलम है। यहाँ पर हमने कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर कॉलम दिया है, यहाँ पर भी हमने कॉलम दिया है, यहाँ भी कॉलम, यहाँ पर भी कॉलम, यहाँ पर भी कॉलम। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि हमने 5 इंच की भी वॉल दी है इसमें, जो कि 5 इंच की हमारा जो है वॉल ये है, 9 इंच का हमारा जो है ये वॉल है, फिर 5 इंच की यहाँ पर वॉल है, फिर 5 इंच की वहाँ पर वॉल है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर भी जो वॉल दिया हुआ है हमने, ये भी हमारा 5 इंच की वॉल रहेगा WC बाथरूम में। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।